कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच एक अहम बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री आवास में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। लॉकडाउन को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है। आपको याद दिला दें कि लॉकडाउन 4.0 31 मई को खत्म हो रहा है और इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। 31 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन 4.0, बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहम बैठक, प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक चल रही है। आगे क्या रणनीति होगी, लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद इसे बढ़ाया जाएगा या नहीं, या फिर किस तरह की नई बातों को इसमें शामिल किया जाना है, इसे लेकर गृह मंत्री पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ सलाह मशविरा भी कर चुके हैं, उनसे उनकी राय जान चुके हैं और अब प्रधानमंत्री आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें गृह मंत्री भी शामिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा लॉकडाउन को लेकर हो रही होगी, ऐसी संभवता खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी से जुड़ी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बैठक जिसमें लॉकडाउन पर मंथन हो सकता है। और चलिए इसी खबर पर बातचीत के लिए रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या अपडेट है, बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर? बिल्कुल, बैठक लगभग 35 मिनट से ज़्यादा समय से ये बैठक चल रही है जिसमें अमित शाह प्रधानमंत्री दोनों हैं और ये बैठक माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5 जो शुरू होने की संभावना बताई जा रही है 1 जून से, उस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी लॉकडाउन को लेकर, उसके आगे कैसे लागू किया जाए उसको लेकर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी और उसके बाद ये भी कहा था कि जो भी सुझाव है आप हमारे पास भेजिए। माना जा रहा है कि उन सुझावों को लेकर या उन चर्चाओं को लेकर मुख्यमंत्रियों से जो चर्चा हुई अमित शाह की, वो प्रधानमंत्री से साझा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन किस रूप में बढ़े, कैसे बढ़े, इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बिल्कुल रविंद्र, इससे पहले भी जब जब लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया और लॉकडाउन की शुरुआत में भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सलाह मशवरा हुआ था, कोई ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो अब 5.0 लॉकडाउन 5.0 जो होगा उसका दायरा क्या होगा, सीमित किया जाएगा थोड़ा और या बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए, ये जो जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था तो उसमें पूरी तरह से केंद्र अपने हाथ में लिया हुआ था, 2 में भी पूरी तरह से केंद्र के हाथ में था। लॉकडाउन 3.0 हुआ उस समय भी कमोबेश अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत अधिकार राज्यों को दिए गए थे, लेकिन पूर्णतः ये अधिकार केंद्र के हाथ में था। लेकिन जब लॉकडाउन 4 लागू हुआ, उसके पहले मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई थी प्रधानमंत्री की, उसमें कई मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि बहुत कुछ अधिकार राज्यों के ऊपर दिया जाए, कैसे लॉकडाउन को लागू करना है, किन किन चीज़ों में रियायत दिया जाए, किन किन रेड जोन घोषित किया जाए, कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। और आप देखिए कि जब गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें कई अधिकार राज्यों को दिए गए, लेकिन पिछले 10 दिन में आप देखिए कि कोरोना पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ते जा रही है, हर दिन लगभग 7,000 की संख्या बढ़ते जा रही है, मौतों का सिलसिला भी 100 से ऊपर बढ़ रहा है हर दिन। तो ये बड़ा चिंताजनक स्थिति है कि राज्य क्या अपने जो उत्तरदायित्व दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें वो सफल नहीं रहे। ऐसी स्थिति में क्या लॉकडाउन 5 माफ़ करिएगा एक लॉकडाउन 5 क्या फिर से केंद्र अपने हाथ में ले, या खासकर उन जगहों पर जहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा बढ़ते जा रही है लगातार, चाहे वो मुंबई हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो या दूसरे राज्यों में जहां पर बढ़ते जा रही है, तो क्या ये सभी एरिया को क्या केंद्र अपने ढंग से अपने तौर तरीके से लागू करे, वहां पर लॉकडाउन को ठीक से लागू करे जिससे कि पॉजिटिव संख्या कम हो, मौतों का सिलसिला कम हो, इन सभी मुद्दों पर माना जा रहा है दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि रविंद्र पिछले लॉकडाउन को शुरू करने के बाद और लगातार जब से ये लोगों के लिए छूट दी जा रही है, छूट का दायरा जैसे जैसे बढ़ाया गया, हालांकि 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें वो आंकड़े भी लगातार साथ साथ बढ़ ही रहे, साथ ही उन 13 जो शहर हैं उनका जिक्र करना भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 13 ऐसे शहर हैं पूरे देश भर में, 70% कोरोना के मामले उन्हीं शहरों से, तो हो सकता है उस पर भी कोई बातचीत हो या फिर वहां पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, जैसा कि मैं कहा कि अभी बात हुई थी आपसे कि जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर अहमदाबाद हो, ऐसे जो शहर है या फिर ऐसे कुछ राज्य जहाँ पर बढ़ते, जैसे तेलंगाना में बढ़ते जा रही है, तो उन सब पर क्या कैसे कड़ाई से लागू किया जाए इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात और है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली, इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही है, चाहे सीमा पर जो गतिविधियाँ हो रही है,
जो पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, या चीन लद्दाख की सीमा पर पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, इन सभी मुद्दों पर भी इन दोनों के बीच में चर्चा हो सकती है लॉकडाउन के अलावा। बिल्कुल, अब ये थोड़ा इंतजार इसके लिए करना होगा। आप नजर रखिएगा रविंद्र, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।